सभी लोग का अन्नपूर्णा सर्वेश्वरी सुमन की रसोई में स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड का मालपुआ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना बिल्कुल आसान है। और इसके आगे तो समझ लीजिए मिठाई फेल हो जाती है, क्योंकि ये खुद में एक मिठाई हो जाता है। और इसके लिए हमें मेन ब्रेड चाहिए, थोड़ी सी हमें रबड़ी चाहिए, और इसके लिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट चाहिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, और चीनी की चाशनी। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो दूध लिया है ये मेरा फुल क्रीम दूध है, और ये 1.5 लीटर दूध है, और इसको मैं भूंज के बढ़िया सी एक गाढ़ी रबड़ी बनाऊंगी। तो अब ये रबड़ी बन जाएगी, इसके बाद हम लोग कैसे मालपुआ बनता है जो हमारा रबड़ी वाला ब्रेड का, वो मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा दूध उबल रहा है, और दूध बिल्कुल हमको इसमें बीच बीच में ऐसे हम लोग चलाते रहेंगे, और इसको तब तक भूनना है जब तक कि हमारा दूध बिल्कुल गाढ़ा होकर के रबड़ी न बन जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी रबड़ी बढ़िया सी अब एकदम तैयार हो चुकी है, और ये जब ठंडा होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। अगर इससे ज्यादा अगर हम इसको भूनते हैं तो ये खोवा बन जाएगा। तो अब इसको हम लोग बंद कर देते हैं गैस का फ्लेम। तो मैं फिर से दिखा दे रही हूँ कि हमारी एकदम परफेक्ट रबड़ी बढ़िया सी बन चुकी है, और अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और ठंडा हो जाने पर ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी जितना हमें गाढ़ापन चाहिए। तो अब आइए गैस बंद कर देते हैं और रख देते हैं, इसके बाद हम ब्रेड का अपना पुआ बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने रबड़ी बहुत बढ़िया ही बना ली है, और ठंडी होने पर बहुत ही गाढ़ी हो चुकी है। तो इसके लिए अब हमें ब्रेड चाहिए। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 6 ब्रेड को गोल गोल के आकार का पुआ के जैसे हम लोग का पुआ होता है ऐसे काट लिया, और भी 2 रखी हूँ, काट के बताऊंगी। और इसके लिए मैंने यहाँ पे चीनी लिया है 1 कटोरी, और थोड़ी सी मैं दिखा सकती हूँ यहाँ पे बादाम ली हूँ। इस बादाम को हम लोग को जैसा काटना है काट सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से 2 छुहारे को कद्दूकस कर लिया है। नारियल को मैंने ऐसे काट लिया है, और ये नारियल का बुरादा है। इलायची को हमको दर्दना पीस लेना है, और थोड़ा सा हमें यहाँ लेना है केसरिया रंग, जो कि हम चाशनी में डालेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ब्रेड है, इस ब्रेड को हम काट के बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे ब्रेड है वो, अगर आप चाहें तो इसको कोई कटोरी हो उसे भी काट सकते हैं, और नहीं तो कैंची से बहुत बढ़िया कट जाती है। तो ये जो मेरी कैंची, ये भाजी, मैं इससे सब्जी वगैरह काटती हूँ। तो देखिए मैं इसे काट रही हूँ, देखिए ऐसे करके इसको, जैसे कम इसमें अगर हम इसको कैंची से काट रहे हैं तो इसका ये जो साइड का पार्ट है वो कम निकलता है ब्रेड का, और इसको भी फेंकते नहीं है, ये भी इससे भी एक बहुत बढ़िया डिश बन जाती है। तो मैं इसका कभी बाद में बताऊंगी आप लोग को। देखिए यहाँ पे गोल बिल्कुल मैंने पुआ की तरह ब्रेड काट लिया है, और अब इसको भी मैं काट लेती हूँ ऐसे ही। तो देख सकते हैं कि हमने, मैं आप लोगों के सामने 2 काटी हूँ, और पहले से मैंने काट के तैयार कर लिया था। तो अब हमें क्या करना है, पहले चाशनी तैयार करनी है। पहले हम चाशनी तैयार कर लेते हैं, इसके बाद ब्रेड को तलना है। तो यहाँ पे हमने गैस पे पैन चढ़ाया है, और तो मैं चीनी डाल रही हूँ 1 कटोरी, ये 200 ग्राम हमारी चीनी है, और इसमें मैं डालूंगी 250 ग्राम का, मतलब मैं 1 गिलास इसमें पानी डाल रही हूँ। तो मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम अपना चाशनी को तैयार करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी चाशनी अच्छी से बन रही है, और अब इसमें ये पूरा गल गया है चीनी, और अब चाशनी में थोड़ा थोड़ा गाढ़ापन भी आने लगा है। अब इसमें हम लोग कलर डाल देते हैं, हमें जो कलर दिया है इसमें डाल दूंगी। कलर डालने से थोड़ा सा अच्छा सा इसका बहुत बढ़िया चाशनी का रंग होने लगता है। और अब मैं इसको थोड़ा, हमको चाशनी चाहिए बिल्कुल गाढ़ी, कुछ गुलाब जामुन की तरह की चाशनी चाहिए। पतली चाशनी हमें नहीं बनानी है, पतली चाशनी बनाएंगे तो ये जो हमारा पुआ है वो अपने अंदर सोखने के बाद बहुत जल्दी ही ये बिल्कुल सॉफ्ट एकदम मुलायम हो जाएगा। और अगर हमारी चाशनी गाढ़ी रहेगी तो पकी हुई चाशनी हमें चाहिए, गाढ़ी चाशनी, जिससे कि पुआ हमारा बिल्कुल बढ़िया और उसमें टाइट रहे। तो अभी तो चाशनी उबल रही है और अभी पकी हुई नहीं है, थोड़ी सी इसमें टाइम लगेगी पकने में, 2 से 4 मिनट तक। देख सकते हैं कि हमारी चाशनी बिल्कुल बढ़िया सी गाढ़ी तैयार हो चुकी है, और मैं इसको उंगली पे लेके भी दिखा सकती हूँ। देखिए ये गिरने में थोड़ा सा टाइम ले रही है, ये पकी चाशनी है, और ये गुलाब जामुन की तरह एकदम गाढ़ी चाशनी हमें जिस चाहिए
चाशनी चाहिए थी ना, देखिए बिल्कुल वैसी चाशनी ये हो गई है। तो चाशनी हमारी तैयार है, अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और चाशनी को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हमारी बिल्कुल भी गर्म है तो इसमें मैंने इलायची का पाउडर डाल दे रही हूँ और इसको हम लोग चला लेते हैं। और अब हमको तलना है ब्रेड, तो अब हम गैस पे घी रखेंगे और ब्रेड को तलेंगे। तो यहाँ मैंने पैन में देसी घी डालिया, घी हमारा बिल्कुल गर्म है। आपके पास अगर देसी घी ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसको वनस्पति घी में भी तल के बना सकते हैं और रिफाइंड ऑयल में भी तल के बना सकते हैं, पर हमने यहाँ मेरे पास था तो मैंने इसमें डाल दिया है देसी घी जो ऑल गर्म है। और इसमें मैं ब्रेड तेल करके डाल दूंगी और इसको हम लोग को अच्छे से तल लेना है, देखते हैं। और ये बहुत जल्दी ही बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हमारा ब्रेड। मैं इसमें इसलिए तल रही हूँ क्योंकि हमारे चार चार ब्रेड आराम से इसमें पड़ जाएंगे और तो कढ़ाई में रहता है तो एक से दो ब्रेड ही हम लोग तल पाते हैं। देखिए तो बढ़िया से हो चुका है, अब इसको हम लोग निकाल लेंगे बर्तन में। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल दिया है, यहाँ पर हम दूसरे को भी निकाल लेते हैं। तब तक हम लोग धीरे धीरे इसको पलट पलट के बिल्कुल, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी पुआ लगता है और बहुत जल्दी बन भी जाता है और बनाना बिल्कुल आसान है। अगर आप रबड़ी नहीं बना सकते हैं, नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, बिना रबड़ी के भी आप सिर्फ चाशनी की भी बनाकर खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। देखिए यहाँ पे मैंने चार को आराम से तल के और निकाल लिया है। तो ऐसे ही हम सारे ब्रेड तल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हमने देख सकते हैं कि हमने ब्रेड पूरे तल लिए हैं और अब मैं इस चाशनी में ब्रेड को डाल दूंगी। तो हमें बहुत देर तक इसको नहीं डुबाना है और बहुत जल्दी जल्दी इसको हम लोग डुबा के ऐसे लेटते जाएंगे क्योंकि इतना क्रिस्पी है कि पूरा अपने अंदर ये सोख लेगा सिरे को। तो जितना आ रहा है उतना मैं इसमें डाल दे रही हूँ और अब इसको हम लोग जब थोड़ा सा 2 से 3 मिनट इसमें छोड़ेंगे, इसके बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे अलग बर्तन में। तो अब देख सकते हैं कि हमारा जो ये चाशनी वाला है पुआ बिल्कुल अंदर तक एकदम इसके अंदर चाशनी मिल चुकी है। अब इसको हम लोग अलग एक बर्तन में यहाँ पे मैं निकालते जा रही हूँ और अब इस पे हम लोग रबड़ी लगाएंगे। पर इस सच में पूछिए खाने बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब लगता है। मैंने देखिए यहाँ पे चार को लगा लिया है और इसमें मैं पांचवा भी ऐसे ही लगा लूंगी और ये हमारा थोड़ा बड़ा प्लेट है तो इसको मैं एक बीच में लगा ले रही हूँ। अब इस पे हमको रबड़ी लगाना है तो आइए अब रबड़ी लगाते हैं। तो अब इस पे हम लोग ये जो हमने रबड़ी बनाई थी देख सकते हैं कि कितनी गाढ़ी और एकदम प्योर अपना दूध का है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। और इसमें मैं चीनी नहीं डालती हूँ क्योंकि चीनी जो ये खुद में इसमें बहुत ज्यादा चीनी सोख लेता है तो ये इसकी मिठास आ जाती है। देखिए अब इस पे हम लोग रबड़ी ऐसे फैलाते चलेंगे और मैं इस पे एक चम्मच रबड़ी इस पे लगा दी, एक चम्मच पे भी। अब इसको हमको बहुत ही बढ़िया से इसको हम लोग को सजा देना है। अब इस पे हम लोग थोड़ा सा इसको ड्राई फ्रूट्स से गार्निश कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नारियल को पतला पतला काट लिया है, पहले नारियल डाल दे रही हूँ इस पे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अगर आप इसको चाहें कि रबड़ी इस पे बिल्कुल जैसे कि जैसे क्रीम छेना होता है ना, अगर वैसा स्वाद आपको चाहिए तो आप इसको थोड़े से 10 मिनट के लिए आप इसको ठंडा फ्रिज में रख दीजिए, एकदम ये चमके एकदम क्रीम छेना की तरह हो जाएगा और ये खाने में बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो छोहरा कद्दू टेस्ट किया था उसको मैं लगा दे रही हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग नारियल का बुरादा इस पे डाल देते हैं। और ये देखिए हमारा लाजवाब रबड़ी वाला ब्रेड का पुआ एकदम बन के तैयार हो चुका है और जितना देखने में सुंदर है उतना ही खाने में। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बादाम जो काट के लिया था उससे भी मैं इसी पे गार्निश कर दे रही हूँ। अब बताइए घर में थोड़ी सी चीजों से कितना लाजवाब हम लोग मीठा तैयार कर लेते हैं।
यहाँ पे हमारा सब बन तैयार हो चुका है। अब इस पे अगर आपके पास केसर हो, ये ऑप्शनल है, अगर केसर हो तो डाल दीजिए, ये तो सेहत के लिए वैसे ही बहुत फायदेमंद केसर होता है। तो हमने देखिए यहाँ पे एक एक दो दो धागे केसर के भीसी पे डाल दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा बनके मालपुआ बिल्कुल ब्रेड वाला रबड़ी का तैयार हो चुका है। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।